पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। पेश है पीस न्यूज में देश में मनाई शिवरात्रि की खबरें सुपर फास्ट। दिल्ली के मजलिस पार्क सेवा केंद्र पर त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के विधायक पवन कुमार शर्मा, SHO संजय गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी BK राजकुमारी ने शिव ध्वजारोहण किया। वहीं लोगों ने बुराइयों का त्याग करने का दृढ़ संकल्प लिया। इस अवसर पर पवन शर्मा ने कहा कि परमात्मा ही सबको मुक्ति का रास्ता बता सकता है। वहीं SHO ने संस्था की सेवाओं की सराहना करते हुए लोगों से यहां की नैतिक मूल्यों को धारण कर परमात्मा से संबंध जोड़ने की बात कही। हरियाणा के सफेदों सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि का पर्व जगह जगह रैली निकालकर मनाया गया। ये रैली बैंड बाजों के साथ शहर के कई हिस्सों में निकाली गई। इस रैली में 101 बहनों माताओं ने कलश यात्रा निकाली। इसके साथ ही भारत माता की झांकी, शिव की सुंदर झांकियां सबके आकर्षण का केंद्र बनी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन DSP हरिंद्र शर्मा, न्यायाधीश दुष्यंत चौधरी, चंडीगढ़ सेक्टर 44 सेवा केंद्र प्रभारी BK अनीता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने शिव जयंती की शुभकामनाएं दी और अपनी खुशी जाहिर करते हुए बहनों को इस आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी देने के लिए धन्यवाद किया। लुधियाना के सिविल लाइंस में धूमधाम से मनाया गया शिव जयंती महोत्सव। सेवा केंद्र प्रभारी BK राज, काउंसलर सनी भल्ला समेत BK सदस्यों ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। बच्चों की सुंदर प्रस्तुतियों ने किया मोहित। शिव ध्वज फहराकर सभी ने दृढ़ संकल्प लिया कि प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, स्नेह स्वरूप बन विश्व की अन्य आत्माओं का कल्याण करेंगे और परमात्मा के अवतरण का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। दिल्ली के राजौरी गार्डन में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दादी रुक्मणी सेवा केंद्र प्रभारी BK शक्ति ने स्वयं परिवर्तन कर विश्व में शांति व अमल लाने का संदेश दिया। इसके साथ ही दिल्ली के कई स्थानों पर रैली का आयोजन कर जन जन तक परमात्मा अवतरण का संदेश देने का प्रयास भी किया गया। हरियाणा पानीपत के उप सेवा केंद्र बापोली में शिव जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता संजय भाटिया, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक BK भारत भूषण ने शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों को स्पष्ट किया और श्रेष्ठ भावना से हर कार्य को करने की प्रेरणा दी। सेवा केंद्र प्रभारी BK ललिता ने सदा खुश रहने के लिए परमात्मा पर अपनी बुराइयों को अर्पित करने की बात कही। राजस्थान के संग्रिया सेवा केंद्र पर महाशिवरात्रि के उपलक्ष में शिव अवतरण महोत्सव का किया आयोजन। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK शांति और थाना अधिकारी समेत कई गणमान्य लोगों ने स्वयं परिवर्तन का दृढ़ संकल्प किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद हुए। हरियाणा सिरसा के शांति सरोवर सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि पर परमात्म शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के जरिए दिया ईश्वरीय संदेश। जिला और सत्र न्यायाधीश कुलदीप जैन, सेवा केंद्र प्रभारी BK बिंदु समेत कई गणमान्य लोगों ने सकारात्मक चिंतन द्वारा व्यावहारिक जीवन में सफलता पाने की सलाह दी। इसके साथ ही पर्व की महानता का वर्णन भी किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। हरियाणा के कादमा सेवा केंद्र पर 79वीं शिव जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक सुखविंदर श्योराण, सेवा केंद्र प्रभारी BK वसुधा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर BK बहनों ने परमात्मा की सत्य पहचान के लिए ईश्वरीय ज्ञान लेने का आह्वान किया। इसके साथ ही बच्चों द्वारा रैली निकालकर मूल्यों के लिए प्रेरित भी किया गया। मुंबई मलाड के लिबर्टी गार्डन में आयोजित शिवरात्रि महोत्सव के तहत लगे मेले का हजारों लोगों ने अवलोकन किया तथा उसका लाभ लिया। इस अवसर पर छोटे पर्दे की प्रसिद्ध अभिनेत्री कविता कौशिक ने भी शिरकत की। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी BK कुंती ने उन्हें आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा ईश्वरीय ज्ञान दिया तथा राज्य कक्ष के महत्ता बताते हुए राज्यों को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। महाराष्ट्र के पंढरपुर सेवा केंद्र पर 79वीं महाशिवरात्रि महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रेलवे अधिकारी भगवत चावरे, सेवा केंद्र प्रभारी BK उज्ज्वला, महाराष्ट्र के ग्राम विकास प्रभाग के संयोजक BK दशरथ ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अज्ञान अंधकार को दूर करने का आह्वान किया। हरियाणा में पानीपत के रानिया सेवा केंद्र पर शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर समाज सेवी सुभाष गोयल, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक BK भारत भूषण, राजक शिक्षिका BK किरण ने दीप जलाकर किया। इसके साथ ही स्वागत नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। अतिथियों ने मुख्यालय माउंट आबू को धरती का स्वर्ग बताते हुए परमात्मा शिव के अलौकिक जन्म के बारे में सभी को अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में राजयोग अभ्यास द्वारा परमात्म शक्ति की अनुभूति भी कराई गई।
गुजरात भरूच के झाडेश्वर सेवा केंद्र पर त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अवंतिका सिंह, झाडेश्वर के सरपंच नरेश पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा ने झंडा रोहण कर मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा दी। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पूर्व महोत्सव के निमित्त रैली भी निकाली गई, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नारे लगाते हुए शिव अवतरण का संदेश दिया। शिव जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली में आरकेपुरम सेवा केंद्र द्वारा कई स्थानों पर शांति यात्रा निकालकर ईश्वरीय संदेश दिया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और माताओं तथा कन्याओं ने कलश धारण कर ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में उतारने का संदेश दिया। अंबाला सिटी गांव बधोली सेक्टर 7 के नीलकंठ मंदिर, राजयोग भवन और गीता पाठशाला में 3 शाम शिव के नाम विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में DSP सुभाष चंद्र, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, नेशनल मेमोरियल ट्रेनर बीके करण, राजयोग शिक्षिका बीके शिवानी ने दीप जलाकर लोगों को सदा अपने अंदर आत्मा का दीपक जलाते रहने का संदेश दिया। इसके साथ साथ परमात्मा के अवतरण का और शिव जयंती का आध्यात्मिक रहस्य बताया। महाराष्ट्र के चोपड़ा सेवा केंद्र पर महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में शिवसेना महिला जिला अध्यक्ष इंदिराताई पाटिल, माजी विधायक सुरेश दादा पाटिल, माजी नगराध्यक्ष रमण गुजराती और चोपड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंगला, बीके शिखा ने शिव ध्वजारोहण किया, जिसके नीचे खड़े होकर सभी ने ये प्रतिज्ञा ली कि अलबेलापन और आलस्य को समाप्त कर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनेंगे। राजस्थान भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में शिव जयंती के पावन पर्व पर सड़क पर राक्षस, साधु संन्यासी, देवता, हाथी के साथ शंकर की बारात निकाली गई। इस शुभ अवसर पर कई बीके सदस्यों ने भाग लिया। वहीं माताओं ने कलश और नाच गाने के साथ इस रैली को शहर में निकाला तथा नगरवासियों को ईश्वरीय संदेश दिया। दिल्ली के डेरावल नगर में प्रभात फेरी निकाल दिया ईश्वरीय संदेश। शिव जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परमात्म शिव ध्वज फहराकर सभी ने ये प्रतिज्ञा ली कि शुभ भावना शुभकामना द्वारा हर रोज 5 मिनट विश्व की आत्माओं को साकार देंगे और इस शिवरात्रि पर जय जयकार कर झंडा फहराएंगे। राजस्थान किशनगढ़ के रेनवाल में बैंड बाजों के साथ निकाली गई कलश शोभा यात्रा। रेनवाल नगर पालिका के उपाध्यक्ष सीताराम बासनीवाल, समाज सेवी रामनिवास खटनवालिया और सेवा केंद्र की बीके बहनों ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। यात्रा में शिव की सुंदर प्रतिमा भी रखी गई। ये यात्रा सेवा केंद्र से होकर कई स्थानों पर निकाली गई। कर्नाटक के कोलार में त्रिमूर्ति शिव जयंती का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में कोलार के कलेक्टर डॉक्टर त्रिलोक चंद्र, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सर्व मंगल और अन्य बीके सदस्यों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में तरह तरह के सुंदर बनी शिवलिंगों का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। महाराष्ट्र के अरवी सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पतंजलि क्रिया योग के अध्यक्ष पालीवाल डॉक्टर काले, वकील मखीजा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा समेत कई बीके बहनों ने दीप जलाकर किया। वहीं बच्चों ने भी सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और शिवलिंग पर फूल चढ़ाकर अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर शिव का ध्वज हाथों में लेकर लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। बड़ौदा के अलकापुरी सेवा केंद्र पर शिव जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ONGC ग्रुप के जनरल मैनेजर RG राम, IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर अतुल शाह, अलकापुरी सब जोन प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया। इसके साथ ही लोगों ने शहर के कोने कोने तक रैली निकालकर शिव संदेश दिया। हरियाणा के नरवाना में महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय अस्पताल के SMO डॉक्टर RK सिंगला और उजाना अस्पताल की SMO डॉक्टर शशि सिंगला, जिन सब जोन प्रभारी बीके विजय ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभी लोग हाथों में शिव का झंडा लेकर उमंग उत्साह से भर उठे। वहीं बच्चों ने भी मंच पर अपने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर अतिथियों ने ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा चलाए गए तनाव मुक्ति अभियान और नशा मुक्ति अभियान की सराहना की। वहीं बीके बहनों ने भी शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। उत्तराखंड के रुड़की सेवा केंद्र पर शिव महोत्सव में तहसीलदार प्रकाश शाह, बीके तेजपाल ने शिव ध्वजारोहण किया। इस पर सभी ने अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लिया। वहीं सेवा केंद्र से जुड़े कई बीके भाई बहनों ने गांवों में प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने परमात्मा शिव का ज्ञान लिया और राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। हरियाणा
तोशाम में शिवरात्रि का महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा, तोशाम व्यापार मंडल के प्रधान जोगेंद्र मलिक, वकील जितेंद्र चहल और कई अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं बीके बहनों ने शिव परमात्मा के अवतरण और निराकार शिव के कार्यों की जानकारी दी और बुराइयों को छोड़ अच्छाइयों को अपनाने का संदेश दिया। पंजाब के धूरी में 19वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का आयोजन आर्य महिला कॉलेज में किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व जिला प्रधान इंडस्ट्री चैंबर जिला संगरूर पुरुषोत्तम लाल कंसल, बीके ब्रिज, बीके सीमा और अन्य सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने अपने नृत्य द्वारा शिव की महिमा का गुणगान किया। वहीं अंत में बीके बहनों ने सभी को कल्याणकारी कार्य करने के साथ साथ सामाजिक बुराइयों का त्याग करने का प्रण लेने के लिए प्रेरित भी किया। ओडिशा रायगढ़ में सेवा केंद्र द्वारा त्रिमूर्ति शिव जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला बीजू जनता दल की प्रेसिडेंट सुजाता राव, प्रगति एनजीओ की निदेशिका कैलाश चंद्रपाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके श्रीमती और कई अतिथिगण उपस्थित हुए। इस अवसर पर शिव निराकार ज्योतिर्लिंगम की प्रतिमा पर बीके बहनों ने लोगों को परमात्मा का यथार्थ परिचय दिया और रैली नगर में निकाल कर भी लोगों को शिव संदेश दिया गया। आंध्र प्रदेश के हीरा मंडलम में 19वीं शिव जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गांव के सरपंच ए वाई थावत्तिया और बी के सुधा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की, वहीं लोगों को शिव परमात्मा के अवतरण का संदेश दिया गया। महाराष्ट्र ठाणे के श्रीनगर सेवा केंद्र द्वारा कल्प नगरी ग्राउंड में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुलुत के विधायक तारा सिंह, मुलुत सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर जादूगर बीके हरीश ने कई टन वजनी ट्रक दांतों से खींचकर और बर्फ पर कई घंटों तक खड़े रहने के कारनामे भी दिखाए। इस दौरान हजारों लोगों ने चित्र प्रदर्शनी द्वारा ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। हरियाणा के गढ़ी बीरबल सेवा केंद्र पर 19वीं शिव जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करनाल सेक्टर 7 की प्रभारी बीके प्रेम ने शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए शिव और शंकर के अंतर को स्पष्ट किया। कार्यक्रम से पूर्व कई स्थानों पर शांति यात्रा निकालकर ईश्वरीय संदेश दिया गया। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के ओम शांति नगर सेवा केंद्र पर शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडिशनल ज्वाइंट कलेक्टर नागेश्वर राय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने सबके प्रति दया, क्षमा व प्रेम की भावना रख संबंधों को मधुर बनाने की सलाह दी। इसके साथ ही शिव जयंती की बधाई व शुभकामनाएं भी दी। वहीं आंध्र प्रदेश के कडप्पा के केंद्रीय जेल में भी शिवरात्रि पर्व के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओम शांति नगर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने बुराइयों को शिव पर अर्पित कर सच्ची शिवरात्रि मनाने की प्रेरणा दी। गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र पर भी शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिजेश कुमार, पालम विहार रेसिडेंट एसोसिएशन के महासचिव वाईपी यादव, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, राज्य शिक्षिका बीके सुदेश समेत कई विशिष्ट लोगों ने ध्वजारोहण कर पावनता का संदेश दिया। इसके साथ ही सभी ने विकारों का दान कर नई दुनिया लाने की प्रतिज्ञा भी की। पंजाब होशियारपुर में शिव जयंती पर रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में महादेव शिव का यथार्थ परिचय नगर के लोगों को दिया गया। वहीं शिव जयंती पर अतिथियों और बीके बहनों ने शिव ध्वजारोहण कर लोगों को बुराई का त्याग करने का संदेश दिया। सोनीपत सेक्टर 15 में शिव जयंती महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कविता जैन, बीपीएसएम की डीन अमृता शर्मा, उद्योगपति संजय प्रागल और बीके आशा समेत कई बहनों ने शिव ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बच्चों ने अपने सुंदर नृत्य से शिव का संदेश दिया। पंजाब सुनाम में सेवा केंद्र पर 19वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव में नगर पार्षद रविन्द्र सिंह चीमा, समाज सेवी सर्वेश सिंगला और कई बीके भाई बहनों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बच्चों ने अपने सुंदर स्वागत नृत्य से सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में बीके भारत भूषण ने लोगों को शिवलिंग पर चढ़ाई स्थूल चीजों के आध्यात्मिक रहस्य से अवगत कराया। वहीं बीके राजेंद्र ने राज्यों का अभ्यास कराकर लोगों को असीम शांति की अनुभूति कराई। ऐसा ही शिव जयंती महोत्सव बिहार बेगूसराय में मनाया गया। इस कार्यक्रम में कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। शिव ध्वजारोहण कर लोगों ने परमात्मा से संबंध जोड़ने का संकल्प लिया और बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम से माहौल रंगीन बनाया।
इस दौरान अतिथियों ने सबको शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए इसके आध्यात्मिक रहस्य को जान लोगों से श्रेष्ठ कार्य करने की अपील की। वहीं बीके बहनों ने भी परमात्मा के दिव्य अवतरण के साथ साथ उसके कर्तव्य की जानकारी भी लोगों को दी। यूपी के देथाता में त्रिमूर्ति शिव जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम से पूर्व गांवों में जगह जगह बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को अज्ञान निद्रा से जगाने का प्रयास किया। ये कार्यक्रम लोगों के लिए गांव में रखा गया। इस कार्यक्रम में बीके बहनों ने लोगों को ये दृढ़ संकल्प कराया कि परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर दुनिया की छोटी छोटी बातों को दिल में न समाकर परमात्मा के दिल में सदा रहेंगे। बहादुरगढ़ के पालिका कॉलोनी में परमात्मा शिव का जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम में समाज सेवी हरीश बजाज, बीके अंजलि, बीके विनीता और कई बीके बहनों ने शिव का झंडा लहराया। इस दौरान लोगों ने बुराइयों को प्रभु अर्पण करने का संकल्प लिया। वही पवन धाम में भी शिव जयंती का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जेपी अग्रवाल, बहादुरगढ़ म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रवि खत्री, इसके साथ ही बीके बहनों ने शिव ध्वजारोहण कर परमात्मा के अवतरण की खुशियां मनाई। इसके साथ ही विश्व शांति भवन सेक्टर 2 सेवा केंद्र पर भी शिव परमात्मा का जन्मदिन मनाया गया। इसमें बीजेपी चेयरमैन रवि भान राठी, राजमहल वाटिका के मालिक राज सिंह सोलंकी और बीके अंजलि समेत कई बीके सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण कर खुशियां मनाई और विश्व की सभी आत्माओं को इस शिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए दृढ़ संकल्प कर सही मार्गदर्शन चुनने की अपील की। जयपुर राजा पार्क के आशीर्वाद पैराडाइज में शिव जयंती महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्री स्वामी संपत कुमार अवधेशाचार्य महाराज, श्री कैलाश कुमावत, प्रधान पंचायत समिति सांगानेर, उप प्रधान प्रकाश मीणा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपने नृत्य और नाटिकिया से सबका मनोरंजन कर शिव परमात्मा के गुणों और कर्तव्यों का संदेश दिया। उत्तराखंड के देहरादून में त्रिमूर्ति शिव जयंती के अवसर पर शिव दर्शन आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्घाटन मसूरी के एमएलए गणेश जोशी ने किया। वहीं सेवा केंद्र पर कृषि उत्पादन मंडी समिति के चेयरमैन रविंद्र सिंह आनंद, बीके प्रेमलता, बीके मंजू ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हरियाणा के मानेसर आईएमटी सेक्टर 1 में शिवरात्रि पर सुंदर पदयात्रा बीके सदस्यों द्वारा निकाली गई। इस यात्रा में माताओं ने कलश और शिवलिंग की सुंदर झांकी निकाली, जिसके द्वारा लोगों तक ईश्वरीय अवतरण का संदेश पहुंचा। सुरभि गीता पाठशाला में भी शिव जयंती पर झंडा रोहण कर बीके प्रभा ने बधाई व शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही परमात्मा की श्रीमत का पालन करने का संकल्प कराया। हरियाणा के हिसार में शिव जयंती का कार्यक्रम श्री सत्यनारायण शिव मंदिर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र की बहनों ने परमात्मा शिव के परिचय से लोगों को अवगत कराया, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महाराष्ट्र के जलगांव सेवा केंद्र पर सामाजिक नरेंद्र पाटिल, जलगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीनाक्षी और साथ में कई बीके सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही लोगों ने झंडे के नीचे खड़े होकर ये प्रतिज्ञा ली कि मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर डबल लाइट बनेंगे। ओडिशा के भदरक में शिव जयंती के पर्व पर बीके मंजू और बीके शिवानी ने भदरक कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्रा को ईश्वरीय संदेश दिया और सौगात भेंट कर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर सेवा केंद्र में शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी, बीके नारायण ने वर्तमान समय दुख का कारण अज्ञानता को बताया। इसके साथ ही जीवन में खुशी प्राप्त करने के लिए नियमित ईश्वरीय सत्संग करने की सलाह दी। राजस्थान के बलोतरा सेवा केंद्र पर भी रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रैली में शिव शंकर की झांकी और सर्वधर्म मान्य निराकार परमात्मा शिव की झांकी निकालकर दोनों में अंतर का स्पष्टीकरण किया गया। इसके साथ ही सिर पर कलश धारण कर नई दुनिया लाने का आह्वान किया। एमपी के विदिशा सेवा केंद्र पर शिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति शाह, पूर्व डिप्टी कलेक्टर अविनाश तिवारी, बीके पूजा ने शिव ध्वजारोहण किया। इस कार्यक्रम में सभी ने बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लिया। खबरें सुपर फास्ट की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिर हाजिर होंगे 20 मिनट में 50 खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे साथ पीस ऑफ माइंड चैनल।